भारत की आजादी के 75 वर्ष अर्थात आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस पावन अवसर पर संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन 3 जनवरी से 20 फरवरी तक हो रहा है। हरियाणा सरकार, हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग, अन्य अनेक विभागों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर समन्वय के साथ आयोजन किया। आप इसके सहभागी बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज के पावन नेतृत्व में हरियाणा योग आयोग आपसे निवेदन करता है कि आप भी इस सूर्य नमस्कार के बृहद अभियान में हिस्सेदारी करें। आप भी इसके एक सहयोगी बने। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको भी पंजीकरण करना है और पंजीकरण आपको इस वेबसाइट पर अर्थात 75suryanamaskar.com इस पर आपको पंजीकरण करना है, इंडिविजुअल पंजीकरण करना है और आपके विभाग को भी, पूरे विभाग को एक साथ ही पंजीकरण करना है और एक्सेल की शीट अपलोड करनी है ताकि हर व्यक्ति के नाम एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो सके। माँ भारती के गौरव गान का यह पावन पर्व है और हम इसमें सहभागी बनकर स्वयं गौरवान्वित होंगे। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत सरल एक संपूर्ण व्यायाम, इसको हम सीखते हैं और आप जब इसे करेंगे तो इस पूरे पेंडेमिक के काल में आपकी वाइटेलिटी अर्थात जीवनीय शक्ति बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति उसकी इंप्रूवमेंट होगी। इसका नियमित अभ्यास करना हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। योग जो भारत की ऋषि संस्कृति है, 75 वर्ष में हम पूरे विश्व को रिटर्न गिफ्ट में क्या देंगे, तो आइए योग सूर्य नमस्कार के माध्यम से मां भारती की वंदना करते हैं और करते हैं 21 दिन तक लगातार सूर्य नमस्कार। और हरियाणा को जो अभी दूसरे स्थान पर पंजीकरण में चल रहा है उसको नंबर 1 करेंगे और पूरे विश्व में हरियाणा सबसे अधिक सहभागिता करके सूर्य नमस्कार के इस प्रोजेक्ट में ऐतिहासिक गौरव प्राप्त होगा। इन 7 आसनों की 12 आवृत्तियों का मतलब एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास होता है। आइए करते हैं 13 सूर्य नमस्कार का अभ्यास 21 दिन तक और इस विश्व कीर्तिमान का हम भी हिस्सा बनते हैं, मातृ मुद्रा करते हैं, राष्ट्र का गौरव गान। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आइए हम करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहला आसन प्राणायाम आसन 1। श्वास की गति सामान्य, श्वास भरते हुए दूसरा आसन हस्त उत्थान आसन, श्वास भरते हुए ऊपर बेंड करेंगे हाफ सर्कल, तीसरा आसन पाद हस्त आसन, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे धीरे धीरे, कोशिश करेंगे अपने नाक को घुटनों में लगाने का। अगला आसन अश्व संचालन आसन, श्वास भरते हुए दाईं ओर से बायां पांव पीछे दाएं पांव आगे अश्व संचालन आसन करें। पुनः श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन, पांचवी संख्या पांचवा आसन पर्वत आसन। और अब हम कर रहे हैं अष्टांग आसन, घुटनों को लगाएंगे जमीन पर, छाती को जमीन पर, नाभि ऊपर रहेगी, अष्टांग आसन। श्वास की गति सामान्य, पुनः श्वास लेंगे और अभ्यास करेंगे भुजंग आसन,
सातवां अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएंगे। पर्वत की तरफ बीच में से उठे हुए अपनी आंखों से नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। एड़ियां पंजे जमीन पर पूर्णतः लगे हुए, श्वास लेते हुए पुनः बायां पांव आगे लाते हुए अश्व संचालन आसन, वाम अश्व संचालन आसन। इसी क्रम के साथ दसवां अध्याय दोनों पांव के पास दो हाथ आ जाएंगे, पाद हस्तासन। ग्यारहवां अभ्यास दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे, आप सर्कल में उत्तान अस्तुत्थान आसन। श्वास भरते हुए ऊपर जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। अभी 12 आसनों की संख्या पूर्ण होती है। सूर्य नमस्कार 12 आवृत्तियों का एक अभ्यास है, एक संपूर्ण व्यायाम है। समस्थिति एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, नौ, दस, ग्यारह, बारह। समस्थिति एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, समस्थिति एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। समस्थिति एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ,
नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, दो, तीन, चार,
ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति, एक, दो, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, समस्थिति।